हेलो एवरीवन, मैं रण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूं उन स्टूडेंट के लिए जो सीबीटी टू रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स सीबीटी टू रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक है, अराउंड 24 दिसंबर जैसी बात चल रही है, तो डेज बहुत कम है, इतने कम दिन में कैसे हम तैयारी को अंजाम दें और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पहला, फिर मैं इलेक्ट्रिकल का, डीजल मैकेनिक का, REC का, फिटर का, हीट इंजन का, जितने भी हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, या फिर जो स्टूडेंट्स जो आगे जो हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उन सब के लिए मैं यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूँगा। फिलहाल मैं बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कोर्स के बारे में। और आप जो है ये देख रहे हैं वीडियो theory2practical.com का, जो पेन ड्राइव प्रोसेस जो है आपको प्रोवाइड कराती है इन सभी एग्जाम्स के लिए, इन सभी ट्रेड्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि बात समझें, आपके पास में कितने दिन है, मान लीजिए 24 दिसंबर है, ठीक है, 24 दिसंबर आपका एग्ज़ाम है। तो पहली बात ये समझे कि कोर्स आपका कितने दिन पहले हो जाना चाहिए है। अगर आप मान लीजिए 22 तारीख को कोर्स कंप्लीट करोगे या 21 तारीख को कोर्स कंप्लीट करोगे, तो रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे और टेंशन में और आप आ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है सिलेक्शन लेना है, तो आपको 7 दिन का मार्जिन लेके चलना है स्टूडेंट्स, 7 दिन का एटलीस्ट मार्जिन आपको लेके चलना ही चलना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 16 से 18 दिसंबर के बीच अगर एक बार ये पूरा कोर्स कर लेते हैं, पूरा एक एक चैप्टर्स आप देख लेते हैं और उसके जो क्वेश्चंस जो उसके पीछे हम देते हैं वो कर लेते हैं, थ्योरी और क्वेश्चन अगर आप दोनों कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे एडवांटेज में रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे एडवांटेज में रहेंगे। क्योंकि बाद में आप प्रैक्टिस कर पाओगे, बाद में आपको कॉन्फिडेंस के लिए आप उसको रिविजन कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और 16 से 18 दिसंबर के बीच सभी चैप्टर्स आपको गो थ्रू हो जाने चाहिए, खास करके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल चैप्टर है उसमें टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हैं, उसमें अराउंड आपके 44 चैप्टर्स हैं। उनमें से 3 चैप्टर्स में हटा देता हूँ, -3 में कर देता हूँ, जो कि IT लिटरेसी के हैं, मतलब कि एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट, नेटवर्किंग के। तो आपके पास जो पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो 41 पढ़ने हैं, और जो ये 3 चैप्टर्स हैं वो आप वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन मतलब पार्ट ए में भी कर रहे होंगे तैयार, तो वो भी चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के जो कोर सब्जेक्ट है मतलब 41 मतलब कि 41 टॉपिक्स जो है आपके वो मैं आपको कवर लेके चलता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में कितने चैप्टर्स है, 41, और हमारे पास में दिन लगभग 21 दिन का प्लान बना के चलते हैं। आज मान लीजिए आज आपकी तारीख है, आप 24 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए वीडियो आप 24 नवंबर को देख रहे हैं, तो 24 से गए आप 4 दिसंबर लगभग, और 4 से आप गए 14 और 15, तो लगभग 15 दिसंबर तक आप ये कोर्स पूरा कर पाएंगे अगर इस हिसाब से अगर आप चलते हो। 15 दिसंबर मतलब 21 दिन आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट इन वीडियोस को मैं भी आगे जाके लेट देख रहे होंगे, जब आपके दिन और कम बच जाएंगे, जब इतना भी समय नहीं होगा, तब आपको क्या करना होगा, इसको रिवाइज करके आपको एक दिन में, यहाँ पे मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ने को बोल रहा हूँ, 21 × 2 आपका 42 होता है, ठीक है। एक दिन में जब 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे लगभग, तब जाके आपकी ये चीज आएगी आपकी 42, ठीक है। और अगर मान लीजिए दिन कम बच जाते हैं आगे जाके, तो आप 3 चैप्टर एक दिन का इस प्रकार से आप उसको करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई हमारी, तो हमारे पास में 21 दिन का एक्शन प्लान है और 2 दिन का हम लेके चलेंगे, तब जाके अपन 42 चैप्टर्स
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कर पाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि जो दो चैप्टर आप पढ़ोगे वो इस प्रकार से पढ़ोगे, आप कॉम्प्लेक्स प्लस इजी लेके आप चलोगे। क्या? कॉम्प्लेक्स प्लस इजी लेके चलोगे, मतलब कि एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स हो तो एक इजी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो एक दिन में या दोनों इजी पढ़ रहे हो। दो इजी चैप्टर एक दिन में पढ़े जा सकते हैं, पर दो कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो एक दिन में पढ़ना जो है सही नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि एंटीना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, और कम्युनिकेशन चैप्टर भी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, उन दोनों को एक दिन मत पढ़ना, ठीक है। एंटीना के साथ लाइट चैप्टर मतलब हल्का चैप्टर, जैसे मान लीजिए पीसीबी लाइट हल्का चैप्टर हो गया आपका, उसको आपने पढ़ लिया, या फिर कम्युनिकेशन के साथ आपने जो है एसएमटी वाला चैप्टर पढ़ लिया, या फिर वायर ये वाला पढ़ लिया आपने, ये भी सिंपल है आपका केबल्स एंड कनेक्टर टाइप का, तो आपको कॉम्प्लेक्स और लाइट दोनों को मिक्स करते हुए चलना है। तो यहाँ पे जो मैंने एक्शन प्लान बनाया है वो आपके जितने दिन बचे हैं उनके लिए बेस्ट है, और जो आपका जो कम्बिनेशन है उसको लेके मैं यहाँ पे चलाऊँ। तो दोस्तों देखो 21 दिन का एक्शन प्लान है ये चीज आपकी, कितना दिन का प्लान है, 21 दिन का आपका एक्शन प्लान है, ठीक है। अब एक बात और समझे स्टूडेंट इसको, ये 21 दिन का एक्शन प्लान क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट। इस 21 दिन के एक्शन प्लान की जो पीडीएफ है ये हमने हमारी वेबसाइट थ्योरी टू प्रैक्टिकल थ्योरी टू प्रैक्टिकल ईमेल आईडी तो हमारी थ्योरी टू प्रैक्टिकल gmail.com है, और हमारी वेबसाइट है theory2practical.com। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, इस वेबसाइट पे आप जाना, रजिस्ट्रेशन पेज में जाना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज में जाओगे वहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का एक मिलेगा जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और स्टडी मटेरियल में आप कहाँ जाओगे, स्टडी मटेरियल में आप जाना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले सेक्शन में आप जाना, तो वहाँ पे आपका जो एक्शन प्लान है पीडीएफ का वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, आपको वेबसाइट जानी है theory2practical.com, रजिस्ट्रेशन जाना है, फिर वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे और दे दूंगा वेबसाइट में, और मिल जाएगा आपको, ठीक है, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, तो वो चीज़ भी आपकी हो गई। अब देखो दोस्तों डे वन में आप कर लेना ओपैम्प और आईसी रेगुलेटर कर लेना। यहाँ पे ओपैम्प जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ओपैम्प, ठीक है। सेकेंड डे, अच्छा दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ये मैं आपको सजेस्टेड प्लान दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर स्ट्रिक्ट रह रहे हैं। मे बी आपको अगर थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना हो, थोड़ा चेंज करना है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी तैयारी के अनुसार करना, पर जहाँ तक मैंने अपने दिमाग लगा कि एक अच्छा फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंड डे आप पढ़ लीजिए डिस्प्ले सर्किट डिवाइसेज, डिस्प्ले डिवाइसेज एंड वेव शेपिंग सर्किट पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा दिन आप पढ़ लीजिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और SMT। यहाँ पे भी जो आपका ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। फिर आपका चौथा दिन जो है आप केबल एंड कनेक्टर और फ्यूज ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फ्यूज मतलब सेफ्टी डिवाइसेज, जिसमें MCB फ्यूज के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। डे फाइव आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ऑसिलेटर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। डे सिक्स आप 555 टाइमर और PCB आप पढ़ लेना। फिर आप जो है इसमें आपका बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसमें पढ़ लेना, और सिक्वेंशियल सर्किट भी इसी में ही है उसको भी पढ़ लेना। बेसिकली आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तीन चैप्टर्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ लेना, और नेक्स्ट डे मतलब कि 8th डे में आप रजिस्टर काउंटर एंड अर्थिंग पढ़ लेना, ठीक है। रजिस्टर काउंटर एंड अर्थिंग पढ़ लेना, इस प्रकार से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी हो जाएगी और अर्थिंग वाला जो चैप्टर है आपका वो आपका पूरा हो जाएगा। फिर डे 9 में आप सोलार सेल और सेल फोन वाला चैप्टर पढ़ लेना। डे 10 में आप LCD LED TV और आपका UPS वाला चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है।
11th दिन मतलब 11वें दिन आप स्टेबलाइजर्स और चॉपर्स एंड कनेक्टर्स जो है, चॉपर्स एंड कन्वर्टर नाम है इसका, वो आप पढ़ लेना ठीक है। 11वें दिन स्टेबलाइजर्स और चॉपर्स एंड कन्वर्टर्स वाला चैप्टर आप पढ़ लेना ठीक है। डे 12 में आपको क्या करना है, ट्रांसड्यूसर और माइक्रो कंट्रोलर वाला चैप्टर पढ़ लेना। डे 13 को मैंने दिया है कम्युनिकेशन का, एक बड़ा चैप्टर है, इसको इसके साथ कोई चैप्टर मत लेना। डे 14 में आप एंटीना वाला चैप्टर पढ़ लेना ठीक है। डे 15 में आपका ट्रांजिस्टर प्लस मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है वो पढ़ लेना। डे 16 में आप एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर वाला चैप्टर पढ़ लेना। डे 17 में आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आपका सेलफोन वाला चैप्टर है वो इसमें पढ़ लेना ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ रिपीट हुआ है, इसको मैं सुधार लूंगा और उसमें जो टेबल मिलेगी रिपीट हो गया है यहाँ पे सेलफोन, मैं उसको सही कर दूंगा। वेबसाइट में आप जाना तो सही वाला चैप्टर से मिल जाएगा, कोई बात नहीं। डे 18 को आप एसी सर्किट्स एंड ऑसिलोस्कोप पढ़ लेना। इसमें जो एसी सर्किट है ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके क्वेश्चन जो है मतलब आने ही आने ऐसा चैप्टर है ये ठीक है। फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी आपका ऑप्टिकल फाइबर और केबल कनेक्टर वाला एक और चैप्टर आता है केबल्स का, वायर्स एंड केबल्स का, वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेना ठीक है। फिर डे 20 में आप जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पासिव कंपोनेंट ये आप कवर करेंगे। और डे 21 में आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर वाला जो चैप्टर है ना वो आप कन्वर्ट पूरा करेंगे। तो ये 21 दिन का आपका एक्शन प्लान है, ये आपका 21 दिन का एक्शन प्लान है जो आप हमारी वेबसाइट theory2practical.com में जाके, रजिस्ट्रेशन में जाके, स्टडी मटेरियल में जाके, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को चूज करके वहां पे जो कोर्स दे रखा है वहां पे इसको ये आपको मिल जाएगा, इसको आप फॉलो कर लेना। फिर अराउंड 17-18 तारीख के बाद मतलब एग्जाम से 7-8 दिन पहले आप क्या करना, जितने ज्यादा सवाल जो हम टेस्ट प्रैक्टिस दे रहे हैं आपको, अभी उसका शेड्यूल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक और वीडियो में, जो टेस्ट प्रैक्टिस जितनी करनी है उतनी आप कर लेना। जहां जहां पे डाउट है बार बार आप उसको रिवीजन जो है फटाफट करना है वो कर लेना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में मान लीजिए 75 क्वेश्चन आपने किए, उसमें से मान लीजिए आपको जो है 30 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं ठीक है, तब उसमें मेरी ये सलाह है कि उसमें उत्तर जो है आप ऐसे मत करना कि आंसर की जो हम प्रोवाइड करेंगे उसके साथ आप आंसर की देख के भाई बोले वो जयराम जी हो गया काम, ऐसा मत करना। आप क्या करना कि जो 75 क्वेश्चन आप करोगे उसमें से मान लीजिए अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए और बाकी क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाए, तो आपको मेहनत करके उस जगह वापिस उन वीडियोस पे जाना है जो आपको नहीं बन रहे हैं, और वहां से आपको रास्ता, वहां से आपको आंसर उसकी थ्योरी से खोजना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो वो सही मायने में आपकी सही पढ़ाई होगी, थोड़ा स्ट्रगल आप जब करोगे, थोड़ी फाइट मारोगे, तभी चीज आपको याद होगी। ये एक एक्सपीरियंस के आधार पे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ कि सिर्फ एग्जाम में देखो, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो कई बच्चे क्या है कि लास्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करना। आपको अगर एक्टिव लर्निंग करनी है, सही में लर्निंग करनी है, तो जो क्वेश्चन नहीं बने उसकी थोड़ी फाइट मारनी है या फिर स्टूडेंट से डिस्कस करोगे बाकी कम्युनिटी की, तब आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट तभी आपको इसको मिल पाएगा। तो स्टूडेंट ये सारी चीज आपको क्लियर है, 21 दिन का एक्शन प्लान, और हमारी जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के हिसाब से हमारी जो ये कोशिश रहेगी, कोशिश क्या पूरा हमारा जो है कि यहाँ पे ओपैम्प और आइसोलेटेड इसका लिंक यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक, तो जो बच्चे पेन ड्राइव लिए हैं कोर्स वो पेन ड्राइव से डेटा को पढ़ सकते हैं इन दिनों में, और जो नेट से डाउनलोड करने के हिसाब से है तो यहाँ से वो नेट से डाउनलोड कर सकेंगे उन लिंक्स को। और कुछ वीडियोस में जहाँ पे आवाज़ कम है या फिर दोबारा बनने थे, कुछ करेक्शन थे हमारे या कुछ चैप्टर्स नहीं बने, वो ये हमारी, हम इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे आपको ये पूरा दिन जब आप फॉलो करोगे ना तो इन 21 दिनों का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको चैप्टर्स लिंक आपको जरूर यहाँ पे पहले ही पहले मिल जाएंगे जिससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और जो स्टूडेंट्स वीडियो डाउनलोड करने के उसमें है वो आप पहले डाउनलोड पहले कर सकते हो, रख सकते हो,
जिस दिन आपका दिन हो, जैसे मान लीजिए डे 12 में आप ट्रांजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, तो पहले ही आप डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे कि ऐसा नहीं कि डे 12 को वो करके रखें तो वो आप उसमें प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखा आपने। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे 21 डेज एक्शन प्लान इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। अब जो स्टूडेंट्स हमारे जो है, जस्ट अ मिनट, जो स्टूडेंट्स हमारे डिजिटल, जो हमारे स्टूडेंट्स डीजल मैकेनिक के हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे आरईसी के हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स फिटर के हैं, या जो स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल के हैं, और जो स्टूडेंट्स हमारे हीट इंजन के हैं, ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स आरईसी हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ने बता दिया। और एक वीडियो में बनाऊंगा कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो हमारा कोर्स है उसका क्या एक्शन प्लान बनेगा, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और टेस्ट शेड्यूल का एक और वीडियो मेरा बनेगा, तो उसमें आपको ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और जानकारी के लिए वेबसाइट जो है हमारी theory2practical.com, ये आपको जरूर विजिट करनी है, theory2practical.com। ठीक है, और एक फ़ोन नंबर मैं और दे रहा हूँ आपको, 8003378523। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर इसको कॉपी में उतार लीजिए और अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों।